नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तिलकराज। दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, राजी खुशी होंगे, फिट फाट होंगे, भगवान आपको सलामत रखे। तो दोस्तों आज नींबू की फिर बात करते हैं और नींबू के ऊपर काफ़ी मैंने वीडियो बनाई है और ज़्यादातर नींबू के बारे में बहुत से फ़ोन मेरे पास आते रहते हैं तो कि हमारे 3 साल से फूल नहीं आए। तो दोस्तों के लिए मैं आज बता दूं कि मैं जो भी जानकारी देता हूं सारी अपना एक्सपेरिमेंट के हिसाब से देता हूं। तो मेरे पास इस समय नींबू के 8 पौधे हैं, तो 8 पौधों के ऊपर बारी बारी से सबकी जानकारी दूंगा। तो ये इस पौधे पे कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है, इसका फ्लावरिंग का एक ही कारण है कि सबसे ज़्यादा इसको पूरे दिन में धूप मिलती है, सनलाइट पूरी मिलती है और इसके ऊपर फूल आने के लिए मैंने DAP का इस्तेमाल करा था और DAP के इस्तेमाल करने से काफ़ी मात्रा में फूल आए। अगर बात करें दोस्तों तो सेकंड नंबर पे ये दूसरा है नींबू का पौधा, ये ऐसी जगह पे पड़ा था जहाँ छाया थी और इसके ऊपर DAP मैंने डाल दिया था और DAP डालने के बाद इसको इसके साथ ही रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप मिले, तो इसके ऊपर फ्लावरिंग चालू हो गई है। दोस्तों मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी और दिखाया था, तो कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। ये दोस्तों ये फ्लावरिंग चालू हो चुकी है इसकी, ये देख रहे होंगे दोस्तों। तो ये जो फ्लावरिंग चालू हुई है ये DAP के इस्तेमाल से हुई है। तो ये तीसरा पौधा है दोस्तों नींबू का और जानकारी सबसे ज़्यादा मैं इसके ऊपर देना चाहता था। ये जो पौधा है मेरा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रखा हुआ था और जिसके ऊपर सारा दिन में 10 मिनट भी धूप नहीं पड़ती, सनलाइट तो बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी और मैंने इसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए 1 चम्मच DAP डाल दिया और ये छाया में भी रहा पौधा और ज़्यादा इसकी ग्रोथ भी नहीं हुई। लेकिन 3 दिन पहले जब मैंने इसको गौर से देखा तो उस पर फ्लावरिंग आ चुकी थी दोस्तों, ये देख रहे हैं दोस्तों इसकी फ्लावरिंग, इस पर ये दोस्तों काफ़ी मात्रा में ये फूल आने शुरू हो चुके हैं। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि छाया के अंदर अगर पौधा रख दे तो फूल नहीं आते, तो नींबू के ऊपर अगर सनलाइट नहीं आती और हम DAP का प्रयोग करते हैं तो छाया के अंदर भी ये फूल हमारे आ सकते हैं। तो जब ये फूल आ गए तो मैंने इसको नीचे ग्राउंड फ्लोर से उठा के 3री मंजिल पे जहाँ प्रॉपर इसको धूप आनी चाहिए मिलनी चाहिए वहाँ ला के इसको रख दिया और आने वाले टाइम में लगता है कि इसके ऊपर और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी क्योंकि प्रॉपर इसको सनलाइट मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सनलाइट नहीं मिलती और हम DAP का इस्तेमाल करते हैं तो छाया के अंदर भी हमारा पौधा रखा हो तो उस पर भी फूल आ सकती है। तो आपको 3 पौधे मैंने दोस्तों दिखा दिए नींबू के, अब चलते हैं चौथे पौधे की ओर। तो ये दोस्तों ये चौथा पौधा है जो मैंने इसी साल मई जून के अंदर इसको मंगवाया था ऑनलाइन। तो इस पे देखो दोस्तों कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है और ये फ्लावरिंग 3रे टाइम हो रही है इस पे, मतलब के 6 महीने के अंदर ये 3री दफ़ा फ्लावरिंग हो रही है और 2nd टाइम के फ्लावरिंग से ये एक नींबू भी इसके ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ये बन रहा है। इसके ऊपर मैंने कुछ दूसरे ही केमिकल का इस्तेमाल कर लिया था
जो सेकंड टाइम के सारी फ्लावरिंग इसकी भर गई थी, ख़त्म हो गई थी और मैंने गलती कर दी थी, उसकी मैंने वीडियो डाली थी बना के। लेकिन उसके बाद मैंने जब DAP इस पर इस्तेमाल करा तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो गई। तो आपको 4 पौधे दिखा चुका हूँ, तो ये नींबू का 5वां पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये छोटा सा पौधा आया था मेरे पास, तो इसके ऊपर जब से ये आए 6 महीने तक तो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहा, जैसे मतलब कोमा में चला जाता। इसके पत्ते भी कुछ गिर गए, इसके ऊपर भी DAP का इस्तेमाल करा था। तो दोस्तों ये देखो, ये नींबू बन रहा है इसके ऊपर, बिल्कुल छोटा सा पौधा है। एक ही डंडी है इसकी, दूसरी डंडी में अभी 2 पत्ते हैं और इसकी नीचे से ग्रोथ होनी शुरू हो गई है, नए नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं। तो DAP का इस्तेमाल और धूप में रखने से ये 6 महीने के बाद इसके ऊपर ये बढ़ना शुरू हुआ। तो अब चलते हैं 6ठे पौधे की ओर। तो ये नींबू का दोस्तों ये 6ठा पौधा है मेरा, इसके ऊपर भी देखो दोस्तों कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है 6ठे पौधे के ऊपर ही। और इसके ऊपर भी नींबू मैं कुछ उतार चुका हूँ और ये 4-5 महीने से इस पर फूल भी आ रहे हैं और नींबू भी आ रहे हैं। तो अभी देख रहे हो ये नींबू लग रहा है, और अगर ये नीचे दिखाऊं तो ये गुच्छे के अंदर दोस्तों ये इस तरह नींबू इस पर लग रहे हैं। तो ये नींबू अब खाने लायक उतारने लायक हो चुकी है। तो 7वें पौधे के की तरफ चले तो ये 7वां पौधा दोस्तों, इसके ऊपर भी दोस्तों देखो ये नींबू लग रहे हैं और इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही। इस पर आज DAP का इस्तेमाल करूँगा, जो दोबारा फिर इस पर फ्लावरिंग आ जाए। और इसके ऊपर भी 10-15 नींबू उतार के मैं ले चुका हूँ। तो आपको बारी बारी से 7 पौधे मैंने दिखाए। तो ये दोस्तों ये मेरा 8वां पौधा है नींबू का, ये मैंने पटना से मंगवाया था। तो हर पौधे की अलग क्वालिटी है मेरे पास। तो इस पर भी DAP का इस्तेमाल करा था, तो इस पर फूल तो नहीं आए, लेकिन इसके ऊपर जो नए नए पत्ते आने शुरू हो गए हैं ये, और जब नए पत्ते आ जाते हैं तो नए पत्ते के साथ फिर धीरे धीरे पे फूल आने भी दोस्तों शुरू हो जाते। तो इसकी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो गई है। वैसे तो दिसंबर जनवरी के अंदर सारे पौधे नींबू के ज़्यादातर डोर बेंसी में चले जाते हैं, लेकिन DAP के इस्तेमाल करने से पौधों में जान आती है और पौधे बढ़ते हैं और फूल और फल ज़्यादा लगते हैं। तो दोस्तों काफ़ी मैंने आज आपको जानकारी दी है नींबू के बारे में, और अपने 8 पौधे दिखाए हैं। 8 पौधों में से 7 में नींबू लग रहे हैं या फ्लावरिंग हो रही है। तो आप भी DAP के इस्तेमाल करने से इस पर फल ले सकते हैं नींबू के पौधे के ऊपर। और कोई अलग से जानकारी लेना चाहते हो तो आप फ़ोन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर मैं बताता रहता हूँ दोस्तों को। तो फ़ोन के ऊपर मैं अक्सर जानकारी दे देता हूँ लोगों को, और जो भी दोस्तों मैं अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से काम करता हूँ, जो एक्सपेरिमेंट मेरा ठीक निकलता है वो मैं शेयर कर देता हूँ, और जब फेल हो जाता हूँ तो नहीं करता, और जब नुकसान हो जाता उसकी भी बता देता हूँ। तो ये एक्सपेरिमेंट करा था तो उसको नुकसान हुआ था, एक्सपेरिमेंट में अगर फेल हो जाता तो वीडियो नहीं बनाता, नुकसान हो जाता तो उसकी वीडियो बना देता हूँ। ये आप ये काम मत करना, और जब पास हो जाता हूँ तो उसकी मैं वीडियो शेयर कर देता हूँ। तो दिल्ली में सर्दी का मौसम है, इनकी ग्रोथ पौधों की काफ़ी रुक जाती है, लेकिन फिर भी ये डोर बेंसी से सारे बाहर पौधे। तो दोस्तों नींबू के बारे में कैसी
जानकारी लगी आपको फ़ोन करके भी बता सकते हैं दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों।